अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कभी मैं कभी तुम का न्यू प्रोमो आ चुका है। हम लोगों ने देखा कि आज वाले एपिसोड में मुस्तफ़ा बेचारे के साथ कितना गलत हुआ, उसके साथ स्कैम हो चुका है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ सारा क्रेडिट जो है सारी गेम मुस्तफ़ा ने बनाई थी और सारा क्रेडिट जो है वो कुत्ता ले गया और मुस्तफ़ा जो है बहुत ज़्यादा सैड हो गया था बेचारा, मेंटली डिस्टर्ब भी है। लेकिन हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट क्या होगा, प्लॉट ट्विस्ट क्या होगा कि बेसिकली जो मुस्तफ़ा और शर्जीना है ना, उन दोनों की ना सेपरेशन दिखाई जाएगी आगे जाके, क्योंकि टीजर में जो है ना शर्जीना जो है कह रही होती है कि मुस्तफ़ा जो बन चुका है ना, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। एक टीजर आता है ऐसा और बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब लग रही होती है उस टीजर में। मुझे लगता है कि दोनों की जो है सेपरेशन दिखाएंगे और सबसे ज़्यादा बड़ी रीज़न क्या होगी दोनों के सेपरेशन की, मुस्तफ़ा का बिहेवियर, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि वो रेड फ्लैग बनता जा रहा है। इसलिए जो रीसेंट एपिसोड भी लगी है उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ाया था, बहुत ज़्यादा अजीब बातें करता है, शर्जीना से भी बहुत रुखा रुखा से रहता है, अजीब अजीब सी बातें करता है, अजीब तरीके से बातें करता है, उसकी टोन मुझे बहुत बुरी लगती है जिस तरह से वो शर्जीना से बातें करता है। उसके बाद शर्जीना ने उसको खुशखबरी भी सुनाई है, लेकिन उसके बाद बावजूद उसको ना और ज़्यादा प्रेशराइज हो गया है और उसको जो है ना एक और अंकल साहब मिले हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ना एक कंपनी बना रहा हूँ तो मुझे मेरे लिए तुम काम करो, और वो दोबारा से जो है वो जॉब की तरफ गेमिंग की तरफ जा रहा है। लेकिन शर्जीना जो है ना मुझे लगता है उसको समझा रही है कि क्या पता तुम्हारे साथ दोबारा स्कैम हो जाए, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ दोबारा स्कैम हो जाए, तो एक दफ़ा फिर सोच लो। और मुस्तफ़ा शर्जीना की इस बात पर ना बहस होती है, लड़ाई होती है और मुस्तफ़ा जो है कहता है मैं जैसा हूँ मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना तो ना रहो, इस तरह की जो है बात कही। और मुझे बहुत गुस्सा आया मुस्तफ़ा के ऊपर, बहुत ही अजीब बिहेवियर होता जा रहा है उसका, पता नहीं क्यों। लेकिन अब देखते, लाइक करना शेयर करना, दैट्स इट, बाय।